नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र गादे गेस्ट्रो प्लस क्लिनिक अहमदाबाद से आज आपके साथ खून की उल्टी और उसका एंडोस्कोपिक उपचार के बारे में आपके साथ विमर्श करूंगा। तो प्रिय मित्र, खून की उल्टी होने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण है पेट में छाले, आंत में छाले, और दूसरा होता है लीवर सिरोसिस या लीवर खराब होने के कारण पेट में खून की नसें फूल जाती है, अन्न नली में खून की नसें फूल जाती है जो फटती है, और उस खून की नलियों फटने के कारण खून की उल्टियाँ होती है। जब ऐसे मरीज़ हमारे पास आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये एक एंडोस्कोपी, तो इन मरीज़ को हम भर्ती करके, इनको स्टेबल करके, फिर इनका एंडोस्कोपी या दूरबीन द्वारा हम उनकी जाँच करते हैं। जब ये जाँच करते हैं तो यूजली पेशेंट को नींद का इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रहते हैं और एक पूरी टीम रहती है उनको सुलाने के बाद, ताकि उनको तकलीफ ना हो, उनकी सेफ्टी देखने के बाद एक बार स्टेबल हो, उसके बाद एंडोस्कोप हम मुंह के रास्ते से नीचे पेट में उतारते हैं और देखते हैं कि वो ब्लीडिंग कहाँ से हो रहा है, उसका स्रोत क्या है। तो एंडोस्कोपी द्वारा हम निदान करते हैं, निदान करके कहाँ से एग्जैक्टली ब्लीड हो रहा है वो देखते हैं, और फिर उसकी सारवार भी हम एंडोस्कोपी द्वारा बिना कोई ऑपरेशन किए कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं, इस मरीज़ को पेट में या अन्न नली में काफ़ी बड़ी फूली हुई नसें हैं, उन नसों में से कहीं से ब्लीडिंग हो रहा होगा, जो अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक जगह पर पूरा खून का नस फटा हुआ और उसमें से खून बह जा रहा है। तो तुरंत ही हम उस खून की नस को बांधने की प्रक्रिया कर रहे हैं। यहाँ से खून दिख रहा है आपको, उसी जगह पर जाके उसको हम रबर बैंड लगा के बांध देते हैं। तो एक प्रकार की एंडोस्कोपी द्वारा निदान भी हमने किया और उसी वक्त हमने उसको बांध के उस खून के बहाव को रोक लिया। खून के बहाव को रोकने से पेशेंट की कंडीशन में सुधार आता है, वो स्टेबल होते हैं। कभी कभी लीवर सिरोसिस के पेशेंट को इस प्रक्रिया की 2 से 3 बार ज़रूरत पड़ती है। ये प्रक्रिया करीबन करीबन आधा घंटे से 45 मिनट तक चल सकती है, और इस प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद मरीज़ 4 से 5 घंटे बाद खा सकता है। 2 से 3 दिन तक शायद कभी कभी उनको भर्ती रखना पड़ता है। कभी कभी अगर खून का बहाव काफ़ी सारा हो चुका है अस्पताल आने से पहले, तो उनको खून भी चढ़ाना पड़ता है, और फिर हम उनको कुछ दवाइयों के साथ, एंटीबायोटिक के साथ डिस्चार्ज करते हैं। डिस्चार्ज के बाद उनको वापस 2-3 सप्ताह में आना रहता है, वापस एक या दो बार इस प्रकार की एंडोस्कोपी से जांच होती है, और अगर फिर भी उस एंडोस्कोपी पे अगर इस प्रकार की फूली हुई नसें दिखती है, तो उसको इस तरह से, जिसे आप देख रहे हैं उसी तरह से बांध के उसको नाबूद करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया 2 से 3 बार करने से सारी नसें गायब हो जाती है और फिर वो खून की वोमिटिंग होने का चांसेस कम हो जाता है। तो मित्र, एंडोस्कोपी द्वारा शस्त्रक्रिया बिना भी इस प्रकार का कि हम सारवार कर सकते हैं। धन्यवाद।